हेलो एवरीवन, वेलकम्स यू ऑन एकलव्य एकेडमी यूट्यूब चैनल। टुडे हियर इन दिस वीडियो वी विल स्टडी द मेजरमेंट ऑफ वेट। मेजरमेंट ऑफ वेट इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो मेजरमेंट ऑफ लेंथ और मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, दो टॉपिक्स की हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ वेट। तो स्टूडेंट, इसमें किस कौन कौन सी यूनिट्स हम यूज में करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, पहली जो हमारा यूनिट होगा, सबसे छोटा जो यूनिट होता है वेट के लिए जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसमें सबसे पहले होता है मिलीग्राम। मिलीग्राम, मिलीग्राम के बाद जो नेक्स्ट यूनिट आती है वो सेंटीग्राम आती है। सेंटीग्राम, सेंटीग्राम के बाद हमारा अगला जो यूनिट है वो डेसीग्राम आता है। डेसीग्राम, डेसीग्राम के बाद ग्राम आता है, और ग्राम के बाद हमारा डेकाग्राम। डेकाग्राम के बाद हेक्टोग्राम। हेक्टोग्राम के बाद किलोग्राम। ये हमारी वेट से रिलेटेड यूनिट है और इस टॉपिक से रिलेटेड भी सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल 6th स्टैंडर्ड के लिए क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो सबसे पहले हम अगर इनको शॉर्ट में डिनोट करें तो इस मिलीग्राम को एमजी कह सकते हैं, और एमजी के बाद हमारा सीजी आ जाता है, इसको सेंटीग्राम। डेसीग्राम को डीजी, और ग्राम को हम शॉर्ट में जी से लिख सकते हैं। डेकाग्राम को डीएजी, और उसके बाद हमारा हेक्टोग्राम आता है एचजी, और उसके बाद केजी किलोग्राम। तो स्टूडेंट, जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली डेसिमल में कन्वर्ट करने से रिलेटेड आते हैं। तो यहाँ पे हम कन्वर्जन हमको आना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम एमजी को सीजी में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि मिलीग्राम को सेंटीग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो जनरली एमजी छोटा यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है, और सीजी हमारा क्या है, लार्जर यूनिट है। तो जब हम स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं। अब हमारा जो 10 मिलीग्राम मिलके हमारा क्या बनाते हैं, 1 सेंटीग्राम। इसीलिए एमजी को सीजी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कितने से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको एम जी को सी जी में बदलना है तो 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया जाता है। इसी तरह से 10 सी जी मिलकर एक डी जी बनाते हैं, यानी एक 1 डेसीग्राम बनाते हैं। तो इसीलिए हम सी जी को भी डी जी में कन्वर्ट करने के लिए 10 का डिवाइड करेंगे। ऐसे ही 1/1 10 जो डेसीग्राम होते हैं वो 1 ग्राम जो 1 ग्राम है उसके इक्वल होते हैं। तो इसी तरह से हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। ये कंडीशन हम सभी जगह फॉलो होगी, 10 10 से हम डिवाइड करते जाएंगे अगर हमें एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी यूनिट को, यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट यूनिट में बदलना है, तो हम 10 का डिवाइड कर देते। सपोज कीजिए हमको सीधा ही एमजी को मान लीजिए हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, 10 10 10, यानी कि हमें यहाँ भी 10 का डिवाइड करना था, इधर भी इधर भी, तो इसका मतलब सीधा हम 1000 का डिवाइड कर देंगे, 1000 का। तो इस तरह से अगर आपको यूनिट कन्वर्जन करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। यानी कि अगर मान लीजिए हमको एमजी को हमें डायरेक्ट डेसीग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10 और 10, 100 का हम डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से इजीली हम इन यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है ये असेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि सबसे पहले हमारी स्मॉलर यूनिट है, उससे लार्जर, 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 और लास्ट में जो हमारी लार्जेस्ट यूनिट है यहाँ पर क्या है, केजी है। तो स्टूडेंट, ये होता है कि जब स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करना हो। अब हम दूसरी बात करते हैं, मान लीजिए हमको रिवर्स करना है, यानी कि हमारा जो एमजी है, एमजी, और हमने पढ़ा था सीजी, सी जी के बाद डी जी और जी और डेकाग्राम डी ए जी और एच जी के जी।
सॉरी, यहाँ पे हम थोड़ा जो हमारा एरो मार्क है वो हम थोड़ा गलत पुट कर दिया है, यानी कि हमें इस डायरेक्शन में आना है, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में अगर हमें चलना हो, यानी कि केजी को अगर आपको हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करना है, इस तरह से अगर आपको चलना है तो हम 10 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। लास्ट स्टेप में हमने क्या किया था, डिवाइड, क्योंकि वहां पर हम स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे 10 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 1 kg किसके इक्वल होता है, 10 हेक्टोग्राम के इक्वल होता है। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लीजिए आपको हेक्टोग्राम को डेकाग्राम में कन्वर्ट करना है तो भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सब 10 के मल्टीप्लीकेशन से ही हमें मिलेंगे, तो ये बात हमें पता होना चाहिए। ये भी 10 के मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी हमने क्या कर दिया, 10 का मल्टीप्लाई। सपोज कीजिए आपको केजी को सीधा ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 10 10 10 10 × 10 × 10 3 times जब 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा हमें, 1000। इसी तरह से अगर ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना हो तब भी हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको लर्न होना चाहिए, और जो ये यूनिट्स है, ये जो सिंबल है, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो और किलो, ये सभी में कॉमन रहते हैं, यानी कि आपको डिस्टेंस, लेंथ का जब मेजरमेंट पढ़ा था तब भी हमने यही सिंबल्स यूज किए थे, और उसके बाद अभी हम वेट का पढ़ रहे हैं, और अगला जो कैपेसिटी का पढ़ेंगे उसमें भी ये सेम ही रहेंगी। जो कन्वर्जन, जो चेंज आ रहा है यूनिट का, वो सिर्फ उसकी जो पेरेंट यूनिट है उसका चेंज आ रहा है, वहाँ पे मीटर था, यहाँ पे ग्राम आ गया, और कैपेसिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे लीटर आ जाएगा। तो स्टूडेंट, हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट, एक और इम्पोर्टेंट अगर बात करें तो वेट की यूनिट जो एग्जाम में पूछी जा सकती है वो टन होता है, यानी कि 1 टन, 1 टन किसके इक्वल होता है, तो 1 टन 1000 kg के इक्वल होता है। तो ये भी एक अनोदर इम्पोर्टेंट यूनिट है जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, 6th स्टैंडर्ड का जो मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल का एग्जाम होता है, वहां पे ये भी एक इम्पोर्टेंट आपका यूनिट होगा, 1 टन। तो 1 टन जो हमारा होता है वो 1000 kg के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि इससे किस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं एक यहाँ पे एग्जाम्पल दे देता हूँ, बाकी हम इसके मेजरमेंट के सारे ही लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे किसी एक वीडियो में। अभी मैं बता देता हूँ, मान लीजिए आपको लिखा हुआ है कन्वर्ट 1450 ग्राम इंटू किलोग्राम, यानी कि आपको केजी में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट, हमें पता है 1000 ग्राम मिलकर क्या बनाते हैं, 1 kg बनाते हैं, तो हमें 1450 में 1000 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 2 0s हैं, तो ये जो पॉइंट लगाएंगे वो 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 1.45 kg। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वेरियस वेरियस टाइप्स की अदर यूनिट्स हैं उनको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक वीडियो था जिसमें हमने आज स्टडी की थी वेट की, मेजरमेंट ऑफ वेट। अगले वीडियो में हम कैपेसिटी की बात करेंगे, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।